नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के चलते योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी के पुलिस सिस्टम को लेकर योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए पहली बार लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया है। योगी कैबिनेट ने नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली मुंबई की तरह अब लखनऊ और नोएडा में भी पुलिस कमिश्नर होंगे। लखनऊ को दो अलग अलग भागों में बांटा जाएगा। लखनऊ में सुजीत पांडे की कमिश्नर पद पर तैनाती की गई है, तो वहीं आलोक सिंह नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। उधर नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस के अधिकार को लेकर बहस शुरू हो गई है। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर के पद पर एडीजी स्तर के ऑफिसर की तैनाती पर मुहर लगा दी गई है। योगी कैबिनेट ने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। एडीजी लेवल के ऑफिसर कमिश्नर होंगे, इनके साथ दो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आईजी रैंक के अधिकारी होंगे। एसपी रैंक के करीब 9 ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 40 थाने होंगे। एडीजी रैंक का कमिश्नर होगा। महिला सुरक्षा के लिए एसपी रैंक की महिला अधिकारी को तैनाती दी जा रही है। यातायात के लिए भी विशेष तैनाती होगी। निर्भया फंड से सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। बता दें कि 15 राज्यों के 71 शहरों में कमिश्नरी प्रणाली पहले से लागू है। यूपी में योगी के सत्ता को संभालने के बाद इस सिस्टम के लिए कवायद शुरू तो हो गई थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के दबाव में बात अनजान तक नहीं पहुंच पाई। अब लखनऊ और नोएडा से इसकी शुरुआत हो गई है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पुलिस कमिश्नर प्रणाली। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से पुलिस के पास अधिकार बढ़ जाएंगे। कानून व्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों पर पुलिस कमिश्नर ही निर्णय ले सकेंगे। जिले के डीएम के पास अटकी रहने वाली तमाम अनुमति की फाइलों का लफड़ा खत्म हो जाएगा। एसडीएम और एडीएम को दी गई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रियल पावर पुलिस को मिल जाएगी। पुलिस शांति भंग की आशंका में निरुद्ध करने से लेकर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और रासुका लगाने में सक्षम हो जाएगी। इन सभी कार्रवाई के लिए डीएम की परमिशन का झंझट भी खत्म कर पुलिस कमिश्नर इस पर फैसला ले सकेंगे। देश के 15 राज्यों के 71 शहरों, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम आदि शामिल हैं, वहां पर यह सिस्टम लागू है और बेहतर कार्य कर रहा है। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव उत्तर प्रदेश के साथ।